फ्रेंड्स, आर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी तोरी की चटनी। जो तोरी की तो सब्जी आपने बहुत खाई होगी, आज रेसिपी चटनी की देखिए, बहुत टेस्टी होता है और जो खाते हैं उनका फेवरेट बन जाता है। तोरी को इस तरह चाकू से कट लगा लेंगे, सारे तोरियों में इस तरीके से सारे में लगा लिए हैं। सारे गैस पे रख देंगे और इसको भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और घुमा घुमा के इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत इजली भून जाता है। इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है। इसको तवे पे सेक लगा लेंगे, इससे चटनी बहुत टेस्टी बनती है। भून चुका है, देख रहे कितना परफेक्ट होता है। इसको धो और साफ कर लेते हैं अच्छे से छील के। इसको पहले धो लेंगे और इजली ये साफ हो जाता है। इसको धो के छील लिए हैं, छीलने के बाद इसकी पानी को अच्छे से गार लिए हैं। देख सकते हैं कितना परफेक्ट हुआ है। और ये मिर्ची लहसुन भी भून गया है इसको ठंडा होने के बाद। धनिया पत्ता भी कट कर लिए हैं, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अब इस सबको मिला के पीस लेंगे। इसको ये अच्छे से पीस गया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको चम्मच से मिला देंगे। ये इतना परफेक्ट चटनी बनके तैयार होता है। आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, फ्राई चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी होता है तोरी की चटनी। आप कभी भी प्लीज़ ट्राई करिए और कमेंट करके आप बताइएगा अगर ये चटनी आपको पसंद आए, या मेरी रेसिपी कोई भी चैनल की पसंद आ रहे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।